हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो सभी लोग, स्वागत है भाई अमेरिकन फार्मिंग के एक और गेम प्ले में। तो गेम प्ले तो नहीं है, बस सिर्फ इंफॉर्मेशन वीडियो है, लेकिन एफ 20 तरीके की वीडियो बनाते बनाते भाई गेम प्ले ही मुझसे निकलता है यार कभी कभी। तो भाई इतनी बार वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि भाई स्टार्ट करता हूँ ना तब एफ 20 निकल जाता है मुंह में से, तो फिर भाई वापस से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलो एनीवेज, तो यहाँ पे जो है ना हम आज हेल्पर के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि हेल्पर कैसे काम करते हैं इस वाले गेम में, क्योंकि सारी गेम से डिफरेंस हेल्पर है इसमें। तो सबसे पहले आपको जो राइट में ऊपर की साइड नज़र आ रहा है ना हेल्पर का साइन, जो आदमी सा बना हुआ है ना भाई, उस पर टैप करना आपको। तो ये जो तीन ऑप्शन दिखाएगा, तो पहला जो ऑप्शन है हैंडलेस एंड रोस, और दूसरा जो है ना रोस ओनली, और तीसरा हैंडलेस ओनली। तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं हैंडलेस, रोस नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे ओनली हैंडलेस। तो इस पर टैप करूँगा ना, तो ये देखो अनफोल्ड हो जाएगा, और अनफोल्ड होने के बाद ये बिना रुके ही जो है ना अपने आप टेक देगा। मतलब कि एफ 23 में क्या होता है ना भाई, उसमें हेल्पर को हम जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं ना, तो वो पहले अपने जो सीडर लगाओ या फिर कल्टीवेटर लगाओ या फिर पलो लगाओ, कुछ भी लगाओ पीछे, वो पहले उसको अनफोल्ड करेगा रुक के, फिर उसको टेकेगा नीचे, मतलब कि नीचे डाउन करेगा और फिर चलेगा, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी ना तवियां, तब चलेगा वो। लेकिन ये तो इसका तो अलग ही सीन है भाई, चाहे इसमें अनफोल्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो भाई हेल्पर को जैसे लगाया अपना काम शुरू, कहीं से भी सीडिंग शुरू हो जाए भाई कोई मतलब नहीं है हेल्पर को। तो इसमें बेसिकली आपको मैं बता दूं तो इसमें ये है, तो सबसे पहली चीज़ तो भाई ये देख लो, खम्भे में से आर पार जा रहा, मतलब कि इनविजिबल खम्भे हैं, अभी तक रियल खम्भे नहीं है ये वाले। और अभी ये देख लेना आगे वाला खम्भा जो है ना इलेक्ट्रिक खम्भा, तो ये देख लो। तो यहाँ पर इसमें सीन ऐसा है, इसमें एफ 23 की तरह या फिर एफ 20 की तरह इतने एडवांस हेल्पर नहीं है जो कि कहीं से भी स्टार्ट कर दो भाई वहीं से भी लग जाए। इसमें फिक्स हेल्पर है, मतलब कि आप मान लो कि खेत के बीच में से ट्रैक्टर को चलाओगे ना, तभी भी वो वहीं से वहाँ से सीडिंग नहीं करेगा, बजाय वो अपने हिसाब से सीडिंग करेगा जहाँ से, मतलब कि अभी कर रहा है ना कोने कोने में, तो यहीं ऐसे ही गोल गोल राउंड काटेगा पहले। तो बस यही सीन है इसमें, और बाकी इसमें वैसा ही हेल्पर नहीं है, इसमें पिक्स हेल्पर हैं फील्ड के हिसाब से, जितने भाई फील्ड है ना उस हिसाब से इसमें हेल्पर पिक्स किए हुए हैं। अब इसमें हमने हैंडलेस जो हेल्पर है ना वो यूज किए, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है ना बीच में भी सीडिंग करेगा, बीच में नहीं करेगा, ये अभी राउंड राउंड काट रहा है ना, बस एक राउंड और लेके आएगा उसके बाद सीडिंग नहीं करेगा, क्योंकि मैं जो है ना यूज करके देख चुका हूँ इनको। तो ये तो हो गया भाई हैंडलेस, मतलब कि ये हेल्पर ओनली हैंडलेस। और अब चलते हैं हम, अब इसमें एक जो ऑप्शन और आ रहा है, और ये बोल रहा भाई लास्ट जहाँ से आपने हेल्पर को रोका ना वहीं से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये पहले वाला ऑप्शन बता रहा है ना, ब्लू वाला साइन आ रहा है, तो आपको इसको टैप करना है। अगर दूसरा कोई ऑप्शन चूज करना है ना तो आप अदर भी चूज कर सकते हो। अब बाकी हम करेंगे अब रोस ओनली। तो रोस ओनली में क्या होता है ना, ये देख लो, रोस ओनली में ये होता है कि जो है ना बीच में, मतलब कि बीच में जो है ना ये सीडिंग कर देगा, साइड में नहीं करेगा बीच में कर देगा। अभी देखना ये इसे घुमा लिया है ना इसने, तो ये बीच बीच में सीडिंग कर देगा और साइड में कोने में छोड़ देगा, ये है भाई रोस का मतलब। तो ये इसमें हेल्पर का मतलब है भाई। इसमें हेल्पर तीन प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, कि आप इस सीडर के आगे आओगे ना तो ये रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा ये भाई, नहीं रुकने वाला। एफ 23 में भाई रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो इसमें नहीं रुकता भाई, जैसे आदमी अपना जो है ना मरे या फिर जिए कुछ मतलब नहीं है। और इस ट्रैक्टर में देखो कोई भी नहीं बैठ रहेगा, अपने आप चल रहा है ये, पता नहीं क्यों अब जाके स्टॉप हुआ ट्रैक्टर के आगे आने के बाद। और एफ 23 में जो है ना हेल्पर रहता है इसमें, और वो बैठा हुआ नज़र भी आता है हमको। तो शायद ये न्यू गेम है भाई, तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें, बाकी फ्यूचर में हो जाएगा, और आई होप कि हो जाए भाई इसमें फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि भाई ये इतनी अच्छी गेम है कि मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना मेरे को ऐसा लगता है
एप्पल टमटी 3 को टक्कर देगी भाई, अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना तो भाई तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं बनेगा, क्योंकि भाई वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस गेम है। तो यहाँ पर रोज का मतलब तो ये हो गया, दो आपने हेल्पर देख लिया, अब तीसरे हेल्पर के पास चलते हैं। तो एक बार इसको स्टॉप करते हैं। तीसरा हेल्पर का मतलब ये है भाई, रोज एंड हैंडलेस एंड रोज। तो इसका मतलब ये है भाई, ये जो है ना अपने पूरे फील्ड को जो है ना वो कर देगा, मतलब कि आप सीडिंग करो या फिर कल्टीवेट करो, कुछ भी करो, पूरे फील्ड को करेगा। और लेकिन इसमें ये कंडीशन है भाई कि अगर आपका सीडिंग किया हुआ हो या फिर ना किया हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है ना आप वो पहले वाला ऑप्शन चूज करोगे ना, तो ये जो है ना पहले पहले तो गोल गोल चक्कर काटेगा इस फील्ड के, फिर बीच में से ये सीडिंग करना स्टार्ट करेगा। तो ये इसकी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सीडिंग की हुई हो वहीं से ये नहीं करे, बल्कि ये जो ना ना सीडिंग की हुई है ना वहाँ से स्टार्ट करें। नहीं, इसका ऐसा कुछ रूल नहीं है। इसका रूल ये है कि भाई इसमें पिक्सेज हैं, यहाँ पे फील्ड के हिसाब से ये राउंड काटता है। अभी जो देखना आप, ये गोल गोल राउंड काट के फिर से मतलब कि बीच में लग जाएगा। तो पहले वाला जो हेल्पर का ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को, और बाकी दो भी बेस्ट है, इतने ख़राब भी नहीं है, लेकिन पहले वाला सबसे बेस्ट है क्योंकि ये पूरे फील्ड में कर देगा। अगर आपको जो है ना हेल्पर को, मान लो कि आपने बीच में से कट कर लिया और साइड में से रह गया, तो हेल्पर को देख के आप कोने कोने में से भी कट करवा सकते हो। तो ये मेरे को हेल्पर को लेके एक तो बहुत ही अच्छी भी इसमें चीज़ लगी, एक बुरी भी चीज़ लगी। बुरी चीज़ ये कि भाई ये जो है ना हेल्पर, मान लो कि आपको सीडिंग किया हुआ है तो उसके ऊपर भी ये घूमेगा, तो आपका सीडिंग किया हुआ वेस्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की ये इसमें है कि ये जो ना चारों कोने में गोल गोल घूम जाता है, तो भाई वो वाली टेंशन नहीं है इसमें। एप्पल स्टोर 3 में वो छोड़ देता है, तो इसमें छोड़ने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। तो बस, और आपको क्या लगता है भाई, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बता देना। और बाकी हेल्पर को लेकर तो भाई इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ में चाहिए वो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं चलता कि आपको कौन सी वाली वीडियो अच्छी लगती है कौन सी वाली नहीं। अब या अभी देख लो, आप यहीं से स्टार्ट किया था हमने और ये फिर से भाई दूसरा राउंड लेना शुरू हो गया है। तो भाई ये पूरे फील्ड को करेगा सीड, और अभी इसमें कॉर्न प्लांट है, और भाई क्रॉप भी इसमें 3 ही है, 3 प्रकार के क्रॉप्स है इसमें। और पहली तो भाई वीट, दूसरी कॉर्न मतलब कि मक्के, और तीसरी होगी सोयाबीन। तो इसमें 3 ही क्रॉप है, और बाकी जो क्रॉप है ना, मतलब कि और क्रॉप का मेरे को पता नहीं, लेकिन बाकी की क्रॉप जो है ना दूसरे वाले फार्म में है, और वो फार्म में आपको मैं जल्दी दिखाने वाला हूँ। है तो इसी मैप में, लेकिन वो फार्म अलग अलग है इसमें भाई। और अभी तो हमारे पास एक ही खेत है, बाकी ये जितने भी खेत हैं हमारे नहीं है। तो आज की गेम प्ले में भाई, सॉरी गेम प्ले बोल रहा हूँ मैं, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी चल रहा है भाई जनवरी का मंथ, भाई ये क्यों आता है बार बार मेरे को पता नहीं भाई, शाइनिंग भी नहीं होता। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन ऑल पे रख लेना भाई, कि कई भाइयों ने ऑल पे नहीं सेट कर रखी तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो कर लेना।